मैं विनु सर, आज टैली डॉट ईआरपी 9 का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 17 में हम सीखेंगे कि कंपनी का बैकअप कैसे बनाते हैं और कंपनी को रिस्टोर कैसे करते हैं। तो कंपनी का बैकअप बनाने के लिए, कंपनी को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें टैली डॉट ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। टैली डॉट ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैली। जैसे यहाँ पे टैली टाइप करेंगे, टॉप में टैली डॉट ईआरपी 9 का आइकन डिस्प्ले हो गया। इस पे जा करके माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमारा टैली डॉट ईआरपी 9 की जो विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जैसे हमारी टैली डॉट ईआरपी 9 की विंडो डिस्प्ले होती है, हमें जाना वर्क इन एजुकेशनल मोड में। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाने के लिए हम एरो की का यूज करके भी वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जा सकते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड की जो शॉर्टकट की होती है LW होती है, LW से भी हम वर्क इन एजुकेशनल मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या यहाँ पे जाकर के माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके भी हम वर्क इन एजुकेशनल मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे वर्क इन एजुकेशनल मोड को एक्टिवेट करेंगे, डायरेक्ट हम गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे। इसके बाद हमें बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन का यूज करना है, तो हम फंक्शन बटन बार में जाएंगे। फंक्शन बटन बार में जाने के बाद हम डायरेक्ट कंपनी इन्फो में जाएंगे। जैसे कंपनी इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया। इसके अंदर हमारा बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन शो कर रहा है। स्केप से बैक जाएंगे, अगर हमें मीन्स कीबोर्ड से कंपनी इन्फो में जाना, तो हमने बताया था किसी भी अल्फाबेट किसी फंक्शन की के नीचे सिंगल लाइन आएगी तो अल्ट, अगर डबल लाइन आएगी तो कंट्रोल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे F3 के नीचे सिंगल लाइन आ रही है, इसलिए हम अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम कंपनी इन्फो में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें बैकअप बनाना है, तो बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले हम बैकअप पे चले जाएंगे, एंटर करेंगे या डबल क्लिक करेंगे, या तो हम एंटर करके भी बैकअप ऑप्शन में जा सकते हैं, या बी प्रेस करके भी बैकअप ऑप्शन में जा सकते हैं, या माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करके भी हम बैकअप ऑप्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पे बैकअप कंपनी ऑन डिस्क, आप अपनी कंपनी का बैकअप किस डिस्क में किस ड्राइव में बनाना चाहते हो, सिलेक्ट कंपनी टू बैकअप। यहाँ पे सोर्स दिखा रहा है टैली क्या है। टैली हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, टैली को हम अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो टैली की फाइल उस ड्राइव में जाकर के इंस्टॉल होती है जिस ड्राइव में विंडो पड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारी जो विंडो सी ड्राइव में पड़ी हुई है, अगर हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारी कंपनी यूजर में जाती है, पब्लिक में जाती है, टैली डॉट ईआरपी 9 डेटा नामक फोल्डर में जाकर के हमारी कंपनी स्टोर हो जाती है। इसके बाद आता हमारा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब पाथ। आप जो कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हो, किस ड्राइव में बनाना चाहते हो, सी ड्राइव में बनाना चाहते हो, यू ड्राइव में बनाना चाहते हो, एफ ड्राइव में बनाना चाहते हो, आप किसी भी ड्राइव में अपनी कंपनी का बैकअप बना सकते हो। लेकिन कभी भी सी ड्राइव में हम अपनी कंपनी का बैकअप नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंपनी की विंडो करप्ट हो गई तो हमारी कंपनी का जो डेटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम अपनी कंपनी का बैकअप डी ड्राइव या ई ड्राइव में बना सकते हैं। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी ड्राइव है, तो कीबोर्ड से जैसे हम विंडो ई प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन आएगा। जैसे दिस पीसी में जाएंगे, हमारी कंपनी में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है और ई ड्राइव है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी कंपनी का बैकअप डी ड्राइव में बनाना चाहते हैं या ई ड्राइव में बनाना चाहते हैं। एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास दो कंपनी है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में ABC कंपनी है और डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन दोनों में से हमें किस कंपनी का बैकअप बनाना है, तो हमें डिजिटल फाउंडेशन नाम की कंपनी का बैकअप बनाना है। इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद हमें जहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में हमारी डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिस्प्ले हो रही है, कंपनी नंबर में यहाँ पे 1002 के नाम से हमारी कंपनी का नंबर शो हो रहा है। अब हमें इस लिस्ट ऑफ कंपनी से बाहर जाना है, तो हम लिस्ट ऑफ कंपनी पे जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे कि एंटर करेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन को, जैसे एंटर करके या यहाँ पे यस पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको जैसे एक्सेप्ट करेंगे, हमारी कंपनी का बैकअप बन चुका है। अब हम सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाकर के पहले तो हम सेट पे जाएंगे। सेट में जाने के बाद जो भी हमारी कंपनी खुली होगी हम उसको बंद कर देंगे। सेलेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। हमारी कंपनी यहाँ पे डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में हमारी डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी ओपन हो चुकी है। अब हमें इस कंपनी को डिलीट करना है, तो इस कंपनी को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाकर के एंटर करके भी हम अल्टर कर सकते हैं, ये प्रेस करके भी अल्टर कर सकते हैं, या माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके भी अल्टर कर सकते हैं। जैसे अल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आएगा, यहाँ पे हमारी कंपनी डिजिटल फाउंडेशन का नाम शो कर रहा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में डिजिटल फाउंडेशन डिस्प्ले हो रही है। जैसे इसको एंटर करेंगे यहाँ पे हम कंपनी अल्टरनेशन में जाएंगे, यहाँ पे अल्ट प्लस डी
प्रेस करेंगे, जैसे अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है यस या नो, क्या आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, अगर आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो तो यस करोगे, नहीं करना चाहते हो तो नो करोगे। हम इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे इसको यस करेंगे ये पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, दोबारा जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे या यस करेंगे ये हमारी कंपनी डिलीट हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी डिलीट हुई है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम सेलेक्ट में जाएंगे, जैसे सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट में जाने के बाद लिस्ट ऑफ कंपनी में हमारा डिजिटल फाउंडेशन के नाम से जो कंपनी बनी हुई थी वो शो नहीं कर रही है। अब हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ कंपनी में डिजिटल फाउंडेशन की कंपनी को शो करना है, दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे रिस्टोर में जाएंगे। रिस्टोर में जाने के लिए या तो आर प्रेस कर देंगे, रिस्टोर में चले जाएंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे रिस्टोर में चले जाएंगे, या इस पर जाकर के डबल क्लिक करेंगे हम रिस्टोर में चले जाएंगे। जैसे हम रिस्टोर पे जाएंगे यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है, यहाँ पे हमारी ड्राइव दिखा रही है और यहाँ पे हमारा बैकअप दिखा रहा है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी में जिस कंपनी का हमने बैकअप बनाया है वो कंपनी का नाम शो कर रहा है। तो हमने डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम के कंपनी का बैकअप बनाया, यहाँ पे डेट दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। जैसे इसको एंटर करेंगे और एंटर करके इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, अब ये हमारे कंपनी का जो बैकअप बना हुआ था उसको हमने क्या किया रिस्टोर कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं सेलेक्ट में जाकर कि हमारी कंपनी वहां पे डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाने के बाद एंटर करेंगे तो भी सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, एस प्रेस करेंगे तो भी सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, F1 प्रेस करेंगे तो भी सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो भी सेलेक्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हमारी जो लिस्ट ऑफ कंपनी है यहाँ पे डिजिटल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो डिस्प्ले हो गई। तो चैप्टर नंबर 17 में हम ऑलरेडी सीख चुके कि बैकअप कैसे बनाते हैं और रिस्टोर कैसे करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको बुक चाहिए तो इंस्टामोजो और अमेजोन पे बुक अवेलेबल है, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप जाकर के बाय नाउ कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।